अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम उसी प्रकार से है जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का थ्योरम। गॉस का थ्योरम क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन जी। यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का किसके अनुदिश, परिपथ की सीमा के अनुदिश, पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई, पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। यानी कि बी चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी एल, इसका रेखीय समाकलन जो डीएल है, जो बंद परिपथ की सीमा है बी डॉट डीएल, इसका होल इंटीग्रेशन आई इंटू म्यू जीरो धारा आई का म्यू जीरो गुणा होता है, या बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इस पथ कैसे निकालेंगे हम इसकी, माना कोई धारावाही चालक है एक्स वाई, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है ये, और इसका कागज के तल के लंबवत सपोज ये जो है कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो इस यहाँ पर अगर हम कहें कि B चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B होगा तो किस तरह से होगा, B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, ये हमने पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था। तो इसका होल इंटीग्रेशन B डॉट dl, B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर डॉट dl, दोनों क्या है सदिश राशियां हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डीएल कॉस जीरो डीएल, बी और डीएल क्या हो जाएंगे परस्पर क्या हो जाएंगे लंबवत होंगे, तो कॉस सॉरी पर एक ही दिशा में होंगे, तो कॉस जीरो के लिए बी और डीएल, बी और डीएल की दिशा क्या होगी एक समान होगी, तो बी डॉट डीएल कॉस जीरो हो जाएगा, यानी कि बी डीएल हो जाएगा, बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान रख देंगे म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर इंटू डीएल, म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, और डीएल का जो इंटीग्रेशन है डीएल पूरा इंटीग्रेशन ये छोटे छोटे सेक्शन में पूरा कितना होता है टू पाई आर, ये हमने आपको बताया था पहले भी कई बार आ चुका है, टू पाई से टू पाई आर से आर, तो बी डॉट डीएल क्या बच जाएगा म्यू जीरो आई, यही जो है एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है।